हिसार के विकास की बात करें तो शहर के विकास की जितनी भी योजनाएं जो भी है, मैक्सिमम सावित्री जिंदल जी के टाइम में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जैसे पानी, बरसात का समय, मानसून चल रहा है, इस समय अगर हम लोग बात करें हिसार के हालात के, जो पिछले वर्षों में जो था उस टाइम के हालात और अब में क्या बदलाव आया है कि विधायक जी और कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि जो मेन सड़क है दिल्ली रोड पर कहीं पानी खड़ा नहीं होता, दावे करते हैं कई बार। ऐसा है, जब भी बरसात आती है हिसार से टापू बन जाता है। आप सेक्टर 14 में जाकर देखिएगा हालात क्या है, ये तो बिल्कुल पॉश इलाका है। विधायक बेशक भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री हैं महकमे के, लेकिन एक भी काम गुप्ता जी के मंत्री बनने का शहर के विकास का कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ फील्ड में काम करेगी? जब से चौधरी उदय बान जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फ्री हैंड दिया गया है, तब से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है। जैसे कि अब जिला प्रधान के एक तरह से चुनाव होने और नाम भी चर्चे में, तो आपका नाम भी सुनने में आया कि छत्रपाल सोनी को भी जिम्मेवारी दे सकते हैं, लगता है कि ऐसी संभावनाएं हैं या आप इच्छुक हैं? ऐसा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय बान जी और सावित्री जिंदल जी जो भी निर्णय करेंगे हम उनको नतमस्तक हैं, उनके हर निर्णय को हम फूल चढ़ाते हैं। आपके साथी हैं कांग्रेस पार्टी के टीनू जैन जी, ऐसे एक नंबर वार्ड से पार्षद हैं, उन्होंने उस टाइम तो बड़े जोर शोर से उठाया मुद्दा, यहाँ पे पार्किंग बननी चाहिए और इस तरह से हम कार्य करेंगे, श्रीमती सावित्री जिंदल से मिलते रहे, आप लोगों ने भी प्रयास किया, वो सिरे नहीं चढ़ पाया। अब वो जैसे कांग्रेस पार्टी को और जिंदल परिवार को छोड़ के गौतम सरदाना जी के बीच से भाजपा में शामिल हो गए, तो क्या उस टाइम जो सोच जो विचार थे बदल गए पार्टी में जाते फिर? ऐसा है, राजनीति जो भी करता है उनका एक अब सपना होता है कि वो और आगे बढ़े। उन्हें भी कहीं ना कहीं लोभ प्रलोभन लालच दिया गया था कि कहीं सीनियर डिप्टी मेयर की बात हो या मेयर डिप्टी मेयर की बात हो, कहीं ना कहीं उन्हें लालच दिया गया था और जो वो सफल नहीं हो पाए। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के हिसार के वरिष्ठ नेता छत्रपाल सोनी जी हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर इनसे हम बातचीत भी करेंगे और एक तरह से सक्रिय नेता रहे हैं, कई बार कांग्रेस पार्टी के जेल भरो आंदोलन में इन्होंने एक तरह से जेल के अंदर भी कुछ दिन काट के आए हैं। हम बात करेंगे हिसार की राजनीति के बारे में छत्रपाल सोनी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और हिसार में आपका नाम कई बार चर्चा में भी आता रहा है कि विधानसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में भी आपका नाम चर्चा में आ रहा था। हिसार की अगर राजनीति की बात करें तो क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी फिलहाल किस तरह की स्थिति में है? कांग्रेस हिसार में बहुत मजबूत स्थिति में है। हिसार शहर कांग्रेस का गढ़ रहा है, चाहे वो चौधरी भजनलाल जी के टाइम की बात हो या उसके बाद की बात करें, हिसार से कांग्रेस के विधायक लगातार बनते रहे हैं। जिंदल परिवार से बाबू ओम प्रकाश जिंदल जी विधायक रहे, सावित्री जिंदल जी रही, तो हिसार में कांग्रेस का बहुत बड़ा ग्राफ है और कांग्रेस हिसार शहर में बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आपने कहा कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी यहाँ से हो रहे, उसके बाद जिंदल घराने यहाँ से विधायक बनते रहे, मंत्री भी बने, उसके बाद ऐसी क्या लोगों का मूड चेंज हुआ है कि वहाँ से इस बार दो बार भाजपा के विधायक और अब कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता हैं, क्या मानेंगे आप? ऐसा है, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं कर रही, बल्कि क्षेत्रवाद, जात पात और धर्म के आधार पर राजनीति करती है। विकास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में शहर में कोई विकास कार्य नहीं किया। कोई भी विकास कार्य गुप्ता जी गिना दें हमें, हम मान जाएंगे, लेकिन ये धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर कहीं जाट नॉन जाट की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इस तरह का आप एक बवंडर रच के जुमले जो कहते हैं उस जुमलों के आधार पर राजनीति करते हैं और उसके आधार पर चुनाव जीतते हैं। हिसार के विकास की बात करें तो शहर के विकास की जितनी भी योजनाएँ जो भी है, मैक्सिमम सावित्री जिंदल जी के टाइम में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जैसे इसकी शहर में बहुत बड़ा एक स्कॉडा जलघर बना, सावित्री जिंदल जी की देन है। शहर में लगभग 6 बूस्टिंग स्टेशन सावित्री जिंदल जी के नेतृत्व में हिसार में बने हैं। शहर के पुल की बात करें तो डाबड़ा चौक पुल है, उसका निर्माण सावित्री जिंदल जी के समय में हुआ है। शहर में एक यूनिवर्सिटी होती थी HAU, दूसरी GJU बनी, वो भी कांग्रेस के शासनकाल काल के दौरान बनी, और छोटा सा शहर होते तीसरी यूनिवर्सिटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने श्रीमती सावित्री जिंदल जी के प्रयास से लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का निर्माण, वो भी जो है ना कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। शहर के विकास की कोई भी बात करें
तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सावित्री जिंदल जी के प्रयास से शहर का चहुमुखी विकास हुआ। आज कमल गुप्ता जी बात करते हैं सिर्फ एयरपोर्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट, अरे एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट का भी जो प्लानिंग है वो भाई नवीन जिंदल जी द्वारा इसे कार्गो एयरपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले फाइल की शुरुआत की थी और दीपेंद्र हुड्डा जी ने इसके लिए प्रयास किया था, जिसके लिए हिसार एयरपोर्ट के लिए मंजूर किया गया था। ये तो उस फाइल को आगे चला रहे हैं, इन्होंने कोई नया काम थोड़ा कर दिया कि इन्होंने कर दिया और ये इसका श्रेय लेने की बात करते हैं। इन्होंने एक 7-8 साल हो गए इनको, एक दीवार तोड़ने से बस स्टैंड की पीछे वाली पिछले 4 महीने पहले तोड़ी गई है और उसमें भी प्रॉपर तरीके से आगे का रास्ता बंद नहीं किया गया, पीछे बसें चलाई नहीं गई है। तो इसलिए जो ना शहर के विकास पर बात करें तो शहर का कोई विकास जो ना इन्होंने नहीं किया है। एक धोबी घाट के एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिंदल परिवार का कि जहाँ धोबी घाट दोबारा से बनाना था, धोबी समाज जो रजक समाज है उनके लिए एक कम्युनिटी सेंटर बनाना था, मल्टी स्टोरी पार्किंग के साथ साथ वहाँ एक बहुत बड़ा मॉल बनना था, लेकिन उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। शहर में पार्किंग की इतनी दिक्कतें हैं, थाना रोड पर एक मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण होना था वो ठंडे बस्ते में। कहना मतलब विकास का कोई काम इन्होंने नहीं किया, एक एयरपोर्ट की बात को बार बार दोहराते हैं और उसका श्रेय लेना चाहते हैं, जो कि वो भी भाई नवीन जिंदल और दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रयास से बनने के लिए फाइल शुरू की गई थी। सोनी साहब ने बहुत बढ़िया बात की है कि जैसे कि हम धोबी घाट के ऊपर वहाँ पे मल्टी स्टोरी पार्किंग बनना था, वहाँ पे अलग अलग योजनाएं लेके आनी थी, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ से कि मेयर शकुंतला राजे थी और यहाँ से सावित्री जिंदल जी विधायक थी, उस टाइम का बातें बहुत चर्चा में था कि वहाँ या वहाँ कुछ ना कुछ हम लोग ऐसे कार्य करेंगे, पार्किंग की व्यवस्था भी हो जाएगी, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, इस तरह की योजनाएँ थी। लेकिन बीच में जैसे मेयर से भी हमने बातचीत की, विधायक जी से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं, हमने अभी सिटी हॉस्पिटल के सामने वहाँ पर पार्किंग बना दी। तो आपको लगता है वहाँ का जो पार्किंग था और जो अब बनाया गया है कौन सा मतलब सही रहता बनाने, अगर सही प्रॉपर बनाते तो इस आप इसको जो सिटी थाने के सामने जो जगह है वहाँ पे पार्किंग बना दिया गया है एक तरह से और उसको अभी दरकिनार कर दिया गया है, क्या मानते हैं? पार्किंग नाम की पार्किंग है, आज बरसात हुई आप वहाँ जाकर देखें दलदल में गाड़ियाँ फंस जाती है। वो जो प्रोजेक्ट था वो इस तरह की पार्किंग का प्रोजेक्ट नहीं था, वो मल्टी स्टोरी पार्किंग बनना था कि बेसमेंट उसके अंदर जो अंडरग्राउंड डबल स्टोरी पार्किंग होनी थी, ग्राउंड फ्लोर उस पर भी मार्केट बननी थी, उसके ऊपर कम्युनिटी सेंटर बनना था, लेकिन किसी भी तरह का कुछ भी तो नहीं किया उन्होंने, एक चार दीवारी खींच कर उसे पार्किंग का स्वरूप दे दिया। वो पार्किंग नहीं है, वो एक तरह से दलदल इकट्ठा करने के लिए स्थान बना दिया गया है। आपके साथी हैं कांग्रेस पार्टी के टीनू जैन जी, यहाँ से एक नंबर वार्ड से पार्षद हैं, उन्होंने उस टाइम तो बड़े जोर शोर से उठाया मुद्दा यहाँ पे पार्किंग बननी चाहिए और इस तरह से हम कार्य करेंगे, श्रीमती सावित्री जिंदल से मिलते रहे, आप लोगों ने भी प्रयास किया, वो सिरे नहीं चढ़ पाया। अब वो जैसे कांग्रेस पार्टी को और जिंदल परिवार को छोड़ के गौतम सरदाना जी के बीच से भाजपा में शामिल हो गए, तो क्या उस टाइम जो सोच जो विचार थे बदल गए पार्टी में जाते? फिर ऐसा है, राजनीति जो भी करता है उनका एक अब सपना होता है कि वो और आगे बढ़े, उन्हें भी कहीं ना कहीं लोभ प्रलोभन लालच दिया गया था कि कहीं सीनियर डिप्टी मेयर की बात हो या मेयर डिप्टी मेयर की बात हो, कहीं ना कहीं उन्हें लालच दिया गया था और जो वो सफल नहीं हो पाए। रही विकास की बात, तो समय समय पर सड़कें बनाना ही कोई विकास नहीं है, ये तो समय सावित्री जिंदल के समय भी बहुत काम हुए, चाहे ऋषि नगर का ही ले लो, उनका वार्ड का इलाका लगा लो, तो वहाँ भी बहुत काम सावित्री जिंदल के टाइम में भी हुए थे, सारी सड़कें उन्होंने बनाई थी, शिवर लाइन उनके समय में डाले गए थे। अब तो कुछ काम हुआ ही नहीं है, ऋषि नगर की बात कर लें, वो वार्ड नंबर 1 का हिस्सा है। सब आपका ना बहुत लंबा अनुभव है, अच्छे नेताओं के साथ आपके अच्छे संबंध है, आपने हिसार के लिए आवाज़ उठाने की बात भी की समय समय पर, कि जैसे टीनू जैन की बात करें, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि अपने स्वार्थ को पहले देखते हैं, जनता की समस्याओं को नहीं देखते, क्या कारण है इसमें? ऐसा है, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनके बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन वो सोशल व्यक्ति हैं और जहाँ हैं वो उनकी अपनी राजनीतिक सोच का विषय है ये उनका, तो उसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। गौतम जी भी आपके साथ ही रहे हैं, गौतम सरदाना जी भी, और जैसे कि पिछले दिनों धरना देते थे कि राजगुरु मार्केट में अव्यवस्था होगी, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जाम लगा रहता है, इस तरह की बातें बहुत सारी, सफाई व्यवस्था नहीं है, बेसारा गौवें बहुत होगी, हम लोग बेसारा पशु मुक्त करेंगे हिसार को, इस तरह की बातें थी, चुनाव का एक मुद्दा था। अब वो मुद्दा आपको क्या लगता है कहाँ पे? ऐसा है, मैं कह रहा हूँ ना कि इन्होंने काम कभी करना ही नहीं है, सिर्फ जुमले छोड़ते हैं। पशु मुक्त शहर की बहुत बड़ा एक विषय रहा है, आज भी हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है, लेकिन प्रशासन तो बिल्कुल मौन है,
कुछ भी तो उसके ऊपर नहीं कर रहा है। बात करते हैं इंदौर का मुकाबला करने के लिए कि हम जो है ना साफ सफाई उसके मुकाबले पहुंच जाए, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आप लोगों की भी तो कमी है, आप एक सक्रिय नेता हैं, इतने वर्षों से कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, आप लोग भी कई मुद्दे जैसे सरकार अगर कोई कार्य नहीं कर रही या जनता की समस्या है आप लोग भी आवाज़ नहीं उठाते, आप लोग भी आगे नहीं आते, क्या कारण? नहीं नहीं समय समय पर हम आवाज़ उठाते हैं, चाहे किसी भी तरह का विषय हो, शहर की सफाई की व्यवस्था तो हम समय समय पर बयान देते हैं, सरकार को चेताने का हम काम करते नहीं सुनते नहीं। नहीं नहीं आवारा पशुओं के बारे में बयान आते हैं वो बात अलग है कि हम सोशल मीडिया में इतने सक्रिय न होकर प्रिंट मीडिया में हमारे लगातार बयान आते हैं, हम बोलते हैं। बयान तो आते हैं आपके, लेकिन जो आप बयान देते हो उस पर क्या सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ से जनप्रतिनिधि है वो गौर करते हैं? नहीं, सरकार का आज के दिन किसी भी तरह का शहर के विकास में कोई ध्यान नहीं है, वो सिर्फ सिर्फ अपना चुनाव के ऊपर रणनीति तय करते हैं। आज पन्ना प्रमुख बना देना है, आज जो है ना विधानसभा प्रमुख बना देना है, उनका सिर्फ संगठन पे ध्यान है, जनता की समस्याओं पर भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सोनी साहब आप ना जैसे आप वैसे बिजनेसमैन भी हैं, आपकी तलाकी गेट पे आपकी शॉप भी है यहाँ पर, यहाँ अगर बात करें रेहड़ी वालों की बड़ी समस्या है उसको लेके, अब रेहड़ी वाले वहाँ से हटा के आपकी जो दुकानों के आगे रेहड़ियाँ खड़ी हैं, तो आप क्या मानते हैं कि सरकार को और यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को रेहड़ियों की समस्या, जो बेचारे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं रेहड़ी के माध्यम से, उनको कैसा स्थान देना चाहिए, क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। एक जूठी गांठने वाला हमारा मोची भाई है, वो भी बैठ कर काम कर रहा है, एक रेडी वाला रेडी लगा कर अपना पालन पोषण कर रहा है परिवार का, लेकिन प्रशासन को अगर कोई दिक्कत है तो उनका स्थान निश्चित करें कि हाँ भाई आप लोगों को यहाँ रेडी लगानी है। ये काफ़ी समय से ये बातें चल रही हैं कि भी रेडी वालों को स्थान सुनिश्चित किए जाएंगे, चिन्हित किए, लेकिन उसके ऊपर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया, बस स्टैंड की दीवार के साथ साथ रेडियाँ लगती हैं। प्रशासन को कहाँ क्या दिक्कत है, वहाँ कोई समस्या नहीं है, बेसरते उनका एक चबूतरा बना दिया जाए, उनके लिए शेड बना दिया जाए, उनकी लिमिट बना दी जाए कि आप इस रेखा से क्रॉस नहीं करेंगे, उस स्थिति में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए किया जाना चाहिए। गरीब आदमी रोजगार कैसे चलाएगा अगर उनको रोज़ उनको जो है ना पुलिस प्रशासन परेशान करेगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन परेशान करेगी, तो बच्चे कैसे पालेगा? उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए स्थान निश्चित होने चाहिए, और उनके लिए जो है ना उनके बच्चों को रोजगार, उनको रोटी रोजी सही चले ऐसी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। जैसे पानी, बरसात का समय, मानसून चल रहा है, इस समय अगर हम लोग बात करें हिसार के हालात के, जो पिछले वर्षों में जो था उस टाइम के हालात और अब में क्या बदलाव आया है कि विधायक जी और कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि जो मेन सड़क है दिल्ली रोड पर कहीं पानी खड़ा नहीं होता, दावे करते हैं कई बार? ऐसा है, जब भी बरसात आती है हिसार से टापू बन जाता है, आप सेक्टर 14 में जाकर देखिएगा हालात क्या है, ये तो बिल्कुल पॉश इलाका है, हर जगह दो दो फुट पानी खड़े है, शहर का बस जो है ना बस स्टैंड देख लो, बस स्टैंड के अंदर पानी खड़ा है, सिविल हॉस्पिटल की बात करें सिविल हॉस्पिटल में पानी खड़ा है, अनाज मंडी की बात करें वहाँ पानी खड़ा है, सब्जी मंडी रोड पर बात करें तो वहाँ पानी खड़ा, सारा शहर तो बरसात के पानी में डूबा हुआ, निकासी तो है ही नहीं, शहर की हालत तो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। प्रशासन का, सरकार का कोई ध्यान नहीं है, विधायक बेशक भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री हैं महकमे के, लेकिन एक भी काम गुप्ता जी के मंत्री बनने का शहर के विकास का कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उस समय जैसे अब तो दो बार जैसे विधायक यहाँ से डॉक्टर कमल गुप्ता हैं, उससे पहले सावित्री जिंदल जी थी और मंत्री भी रहे, उन दिनों आप लोगों ने क्या काम किया? उस टाइम में आप लोगों ने ये नहीं किया कि इस तरह के हालात है शहर में पानी की निकासी के लिए कड़ा कदम उठाना चाहिए, प्रयास नहीं किया आप लोगों ने? उस समय भी प्रयास किए गए थे, जो पहले नाले बरसाती नाले बने हो कांग्रेस के शासन के दौरान ही तो बने हैं, उनको आगे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उनको और जो है ना उनका नया रास्ता तय करना चाहिए, भाई किस किस जगह और ज़रूरत है। सावित्री जिंदल के समय भी बरसाती नाले बने हैं, कौन कहता नहीं बने, जो बने हुए हैं वो सारे कांग्रेस के टाइम में तो बने हैं, इन्होंने कहाँ बनाए हैं वो बताएं प्रशासन, प्रशासन गुप्ता जी बताएं कि उन्होंने कौन सा बरसाती नाला बनाया है, हर साल बरसात आती है, ये शिविर की सफाई भी समय पर नहीं करवाते, अगर शिविर की सफाई भी समय पर करवा दी जाए तो भी जो है ना कम से कम पानी की निकासी काफ़ी हद तक हो सकती है, लेकिन समय पर सफाई नहीं हो पाती। जैसे कई पार्षद हैं, हम लोग बात करें इस समय अगर नहीं तो ना पिछले वर्षों में नगर पालिका होता था फिर नगर निगम बन गया, हंगामा होता था कि हाँ हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा, हमारे इलाके में सफाई व्यवस्था नहीं है, इस तरह की समस्या है, अगर अब की बात करें तो सभी पार्षद चुप हैं, क्यों? भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए पार्षद ज़्यादा हैं, उसका सबसे मेन कारण ये है, और वो अपनी आवाज़ उठाने में समर्थ नहीं है। आप यहाँ यहाँ की बात क्यों करते हैं? संसद में जो सांसद है वो सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखते, तो पार्षद तो बहुत एक साधारण सा व्यक्ति है, बल्कि वो तो शुरुआत है लोकतंत्र में, पंच सरपंच और उसके बाद पार्षद ही तो आते हैं, जब सांसद की हिम्मत नहीं होती तो पार्षद का तो मतलब ही नहीं है।
जैसे कि कांग्रेस पार्टी की हम लोग बात करते हैं, जिला स्तरीय कार्यकारिणी गठन नहीं हुआ, इसका भी कोई आप लोगों को नुकसान हुआ है? जैसे कोई भी मुद्दा है तो इकट्ठे होकर एक नेता के नेतृत्व में जाकर कहीं आप लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो उसमें अगर जल्दी अगर कार्यकारिणी गठन होता तो इसमें फायदा होने वाला था आपको? इसमें कोई दराय नहीं, संगठन कोई भी हो, अगर संगठन का गठन नहीं होगा तो पार्टी को नुकसान होता है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को रहता है। और डेफिनेट है कि बहुत जल्द चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र जी के नेतृत्व में संगठन का गठन होने वाला है। अगले महीने में हर हाल में ये गठन हो जाएगा, पार्टी को उसका बड़ा बेनिफिट होगा। और पहले भी कांग्रेस जनहित के मुद्दे उठाती रही है, और संगठन मजबूत होने के बाद और मजबूती से हम जो है इसको उठाने का काम करेंगे, जनहित के मुद्दों को शमेश में। जी, जैसे आने वाले समय में सरपंच के और एक जिला परिषद के चुनाव भी है, क्या उस चुनाव से पहले पहले आप लोगों की जो कार्यकारिणी की जिला स्तरीय कार्यकारिणी गठन हो जाएगा या नहीं? वैसे ये विषय चौधरी उदयभान जी के लेवल का है, उनके लेवल का, आप एक नेता हैं, आपको भी तो कई बार चर्चे आते हैं कि हाँ इतने दिन तक हम लोग जैसे विस्तार कर देंगे इस टाइप। कोई दोराय नहीं, चर्चा है, लगातार अध्यक्ष जी से बात भी होती है, आने वाले अगस्त के अंदर अंदर संगठन का विस्तार होने की चर्चा है जो हो जाएगा। तो उसके बाद क्या कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ फील्ड में काम करेगी? जब से चौधरी उदयभान जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फ्री हैंड दिया गया है, तब से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है। आप देखते हैं कि जैसे ही पंजाब का चुनाव हुआ था, हरियाणा में एक चर्चा हो गई थी, रूमर हो गई थी, आम आदमी आगे बढ़ रही है, आज वो ज्वाइन कर रहा है, आज वो ज्वाइन कर रहा है। जैसे ही उदयभान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फ्री एंड कमान दी गई है, उसके बाद एक भी नेता का नाम बताए कि जिसने वहाँ जाकर ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी, बिल्कुल धरातल पर बिल्कुल साफ हो गया है। आज प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी के नाम की लहर चल रही है, और आने वाला समय कांग्रेस का होगा, भाई दीपेंद्र हुड्डा का होगा, चौधरी उदयभान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का होगा। तो मुझे ये लगता है कि जैसे आपसे बात करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ज़्यादा ही नज़दीकी है। नज़दीकी ऐसा है, वो मेरे नेता हैं, जैसा वो आदेश करते हैं उनके अनुसार हम काम करते हैं, और नेता है उनकी, डेफिनेट है कि उनका जो जो किया हुआ काम है वो प्रदेश का बच्चा बच्चा बोलता है। आप गांव के किसी भी गली के अंदर जाके पूछें कि आपके गांव का विकास किसने कराया था, हर एक बच्चा बच्चा बोलेगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं वो इस सरकार में तो हुए ही नहीं कहीं भी। तो जिंदल परिवार के भी बहुत क्लोज थे, नज़दीकियाँ, आजकल दूरियाँ बढ़ गई है? नहीं, कोई दूरी नहीं, सावित्री जिंदल भी हमारी नेता हैं, हर समय उनके जो है ना साथ रहते हैं, उनके हर आदेश का पालन करते हैं, वो शहर की क्यों पूरे हरियाणा की बल्कि जनप्रिय नेता है, हमारी नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की, वो शान है हमारे शहर की, हरियाणा प्रदेश की, आज एशिया में उनका बहुत बड़ा नाम है, तो वो हमारी नेता है, उनसे दूर हो ही नहीं सकते कभी हम। हालांकि वो ये सवाल जो था पहले करने का था, अब आपसे मुलाकात हुई आज बात कर रहे हैं, जैसे विधानसभा चुनाव में आपके भी चर्चे आ रहे थे, नाम आपका भी आ रहा है, छत्रपाल सोनी को भी हिसार से विधानसभा चुनाव में टिकट दें, मैदान में उतारे, एकदम से टिकट कैसे गई और फेरबदल कैसे हुआ, क्या कारण था? 2019 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरे नाम की रिकमेंडेशन की थी, सावित्री जिंदल जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिसके चलते हिसार की टिकट को पिछड़ा वर्ग के खाते में डाला गया, और उसी के तहत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे नाम का प्रपोजल आगे रखा और पैनल में मेरा नाम रहा। लेकिन वो हालात सरकमस्टांसेस ऐसे बने कि हमारे बड़े भाई रामनिवास राणा जी को टिकट मिल गया, हमने उनके लिए काम किया, हम पार्टी के अंदर हैं, पार्टी जिसको भी टिकट देती है हम उसके लिए काम करते हैं। तो जैसे कि अब जिला प्रधान की एक तरह से चुनाव होने और नाम भी चर्चे में, तो आपका नाम भी सुनने में आया कि छत्रपाल सोनी को भी जिम्मेवारी दे सकते हैं, लगता है कि ऐसी संभावनाएं हैं या आप इच्छुक हैं? ऐसा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान जी और सावित्री जिंदल जी जो भी निर्णय करेंगे हम उनको नतमस्तक हैं, उनके हर निर्णय को हम फूल चढ़ाते हैं, ये उनके संज्ञान में है कि किसे क्या कमांड दी जाए क्या नहीं जाए, कोई जिम्मेवारी मिलेगी उसको बखूबी निभाने का हम काम करेंगे। जी, तो आरएसएन एक्सप्रेस के माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार को हिसार में विकास को लेकर, जो हिसार की सरकार को, उनको क्या कहोगे आप? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि शहर की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए शहर की जनता को सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए, और कांग्रेस लगातार जनहित के मुद्दों को उठाती रहेगी,
कांग्रेस का सहयोग करें, कांग्रेस का साथ दें, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को हम जगाने का काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद छत्रपाल जी। आपके दर्शकों को भी राम राम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। छत्रपाल सोनी जी थे, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। मैंने दोनों ही चर्चा की, हालांकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव इनके भी नाम चर्चे में आ रहे थे। जैसे हम जिंदल हाउस में जाते थे तब तो 3-4 नाम थे, उनमें इनका भी नाम शामिल था। उसी हिसाब से अब जिला स्तरीय कार्यकारिणी के गठन होना है, उसमें भी सुनने में कहीं से मेरे कांग्रेस नेताओं से कईयों से बात हुई, तो हो सकता है छत्रपाल सोनी जी का भी नंबर पड़े। लेकिन दौड़ में कई हैं, पार्टी नेतृत्व किसको किसके ऊपर जिम्मेवारी देगी, कौन बनेगा, ये तो आने वाला वक्त कुछ समय बाद पता चलेगा। लेकिन इन्होंने कहा कि जो विपक्ष एक तरह से भाजपा सरकार है, यहाँ से जो जनप्रतिनिधि, उन्होंने हिसार के लिए कुछ नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया, और शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस पर लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को एक तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन करके शहर के विकास के लिए बातें आगे रखनी चाहिए।